ठीक आई एम लाइव और आई थाई एवरीवन वेलकम ऑन बोर्ड लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड दिस इज द ऑफिशियल मिनिमम कट ऑफ्स फॉर गेटिंग इनटू आईएम अहमदाबाद इज दिस अ पर्सनल यू नीड टू गेट टू गेट इनटू आईएम अहमदाबाद आंसर इज स्ट्रिक्टली नो बट इसके नीचे तो मैं घुसने नहीं देंगे वो क्या है तुम समझ लेते हैं आनंद बात बोल रहा है जनरल में मेरे को 70% पर्सनल चाहिए डीएलआर में को वर्बल में 70 चाहिए कॉन में 70 चाहिए ओवरऑल अगर आपका 80 आ गया यू आर गोइंग टू बी गेटिंग 90 मार्क एक्सपेक्टेड इन योर पीडब्ल्यूडी बहुत बढ़िया यार आनी चाहिए बिल्कुल सारी कॉल्स आएंगी भाई तेरे को दिव्यांशु आगे -C ये, ये 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 है है तुम्हारा ऑफिशियल अहमदाबाद का जनरल तुम्हारी दोनों की कट ऑफ सेम नंबर कोई मतलब ही नहीं है इसके नीचे वाला बच्चा अहमदाबाद में नहीं घुसेगा आपके लिए क्या सुनना है आपको जनरल इंजीनियर मेल जेम जीरो वर्क एक्सपीरियंस नाइन पॉइंट सिक्स के नीचे तो आपको अहमदाबाद नहीं बुलाएगा गुड थिंग इज थर्टी फाइव परसेंट जनता सिटिंग इन साइड द कॉलेज इनफैक्ट एट्टी परसेंट जनता सेवेंटी एटी परसेंट जनता सिटिंग इन साइड द कॉलेज आर इंजीनियर्स ओनली ठीक है हर तरह के इंजीनियर एनआईटी के. तो आपके लिए सेफ को रहेगा नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है दूसरी बात वेन यू टॉक अबाउट जनरल नॉन इंजीनियर नाइन्टी नाइन पर भी आपको कॉल आ सकता है आप कन्वर्ट कर सकते हो नाइन्टी एट पर भी आपका कॉल आ सकता है ये कैटेगरी वाली चीज़ यहां पे आ जाएगी लोएस्ट परसेंट जनरल कैटेगरी ऑफिशियली एज आई टोल्ड यू एटी वन परसेंट डाइल वाले को भी कॉल आ चुके एटी फाइव परसेंट डाइल वाले कन्वर्ट हुआ था एट्टी वन क्या नाम था लड़की का प्राची नाम था उसका कन्वर्ट नहीं हुआ था एंड शी वेंट टू कोई कॉल सो अगर आपने ये पार कर दिया अगर आप एक कैटेगरी के अनुसार हाँ अगर आप ए सी फाइव में तो उम्मीद रख लेना कुछ बाकीियों के लिए कॉमर्स के हो सी एस हो अगर आपका 95 फाइव के आसपास बन up, तो, रहा है यू मेकिंग इट ठीक है तो कैटेगरी वाइज आपको मैं बता दू नंबर वन डॉक्टर्स ए एसी वन कैटेगरी आपको कॉल कर सकते हैं आई एम एसी टू सीन टू सी एस एंड नाइन एंड नाइन सेवन कन्वर्टेड आई एम अहमदाबाद एंड आएम बैंगलोर एक का नाम था राजदोशी. और दूसरे मेरा नाम था जय गुसलिया जय गुसलिया वेंट टू आई एम बैंगलोर एम नॉट श्री मेड टू आई एम अहमदाबाद दीज अर स्टूडेंट्स लॉन्ग बैक लॉन्ग बैक एनी विच वेस ए सी थ्री दोनों से थे ए सी सी थ्री ऑल कॉम्स इको इको ग्रेजुएट्स नाइन्टी सेवन परसेंट एज नाइनटी एट परसेंट इज गुड फॉर श्योर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके भाव थोड़े और बढ़ जाएंगे पर नाइनटी नाइन इज अ सेफ बेट फॉर श्योर नाइनटी नाइन वर्क एक्स है तो नाइन्टी एट पर भी आपको अहमदाबाद बुला सकता है बट मैं बोलता हूँ वो एक दो बच्चे होते हैं वो मान के ना चलो अब नाइनटी नाइन ही एम करना है अहमदाबाद के लिए नाइनटी नाइन पॉइंट जीरो नाइन अंकिता मैम का है हाँ अंकिता मांग कर जो कि एसी थ्री कैटेगरी के अंदर आते हैं आगे इंजीनियर टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया जल कैटेगरी नाइन्नी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन 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 एट नाइन पॉइंट नाइन नाइन हंड्रेड भी मांग लेंगे तुमसे तो मेरे तुम भरे पड़े हो क्या करें अभी है ना ठीक है आर्ट्स ह्यूमानिटीज सेफ नाइनटी फाइव नाइनटी फोर अच्छा टेंथ ट्वेल्थ के नंबर सही है तो बढ़िया बात है पर इस कैटेगरी में टॉप फाइव में होना पड़ेगा मेरे पास मैथ था इसका पूरा आज से दो साल पहले ना कैट का पूरा डेटा बाहर आ जाता है आई हैड इंटायर मैथ कितने आर्ट्स के इन कैटेगरी के लोग भी बड़े कम होते हैं अगर जब तुम फाइनल आर डेटा देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा भाई ब, पब्लिक यही नहीं होते है लोगों से पता समझ आ रही तुम्हें ये जो मेन मेजर बेसिक जो क्राइटेरिया है ना साठ 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 सत्तर सत्तर वाला लोग एलिजिबल ही नहीं होते हैं तो दो लाख में से पचास हजार के आसपास तो लोग एलिजिबल होते हैं उसके अंदर जिसके अंदर सात सौ सत्तर सत्तर होता है एनी विच वेज सो दीज आर कैटगरीज ओके आर दिसगे विच अकाउंट टॉप फाइव पर्सन ऑफ दिसेगरी अकाउंट गेट कॉल फॉर श्योर ऑल गुड सबको समझ आ गया सिमिलरली एस सी एस टी ओबीसी का सबका अलग रहेगा बट मैंने आपको जनरल के लिए एक फेयर आइडिया बता दिया फॉर आई एम अहमदाबाद लाइक पक्का करिएगा एंड हजार लाइक होने चाहिए इस वीडियो के अंदर एंड सी यू टो बैक अगेन अगर थाउजेंड लाइक हो गया और कल गिवे भी करेंगे अभी रुकने का नहीं वेट करना भी तो आया फाइनल रिजल्ट आने का थैंक यू बाई